नमस्कार, मैं नेहा भारद्वाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है फणीश्वरनाथ रेणु जी का मैला आंचल। तो आज हम लोग इसका विश्लेषण करेंगे और इसके अंतर्गत कौन कौन से बिंदु जो है महत्वपूर्ण बिंदु इसको समझेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्या है कि मैला आंचल का जो परिचय है वो समझेंगे। इसके बाद राजनीतिक परिपेक्ष में देखेंगे मैला आंचल को। मैला आंचल को जो है उसकी जो आंचलिकता है उसका वर्णन किस प्रकार से किया गया है उसको भी समझेंगे। लोकगीत भाषा तुलना करेंगे गोदान एवं मैला आंचल के बीच। संवेदना पक्ष क्या है इसका, धार्मिक विकृतियां क्या क्या है और आर्थिक जीवन के साथ राजनीतिक पक्ष क्या है इसको भी समझेंगे। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले परिचय देखेंगे तो फणीश्वरनाथ रेणु की मैला आंचल जो है वो कालजयी कृति है और ये हिंदी का सर्वश्रेष्ठ और आंचलिक उपन्यास इसे माना जाता है और यह हिंदी भाषा की सर्वाधिक प्रभावशाली कहा जाए इसको तो 10 उपन्यासों में से एक माना जाता है। इसे नेपाल की सीमा से सटे हुए उत्तर पूर्वी बिहार जो है उसके एक पिछड़े ग्रामीण अंचल को उसे पृष्ठभूमि बना करके फणीश्वरनाथ रेणु ने उसे किस प्रकार से वहां के जीवन का, जिसमें कि वे खुद अपने आप को घनिष्ठ रूप से अपने आप को जोड़े हुए थे और अत्यंत जीवंत रूप से और मुखर रूप से चित्रित किया है। और मैला आंचल का जो कथानायक है वो एक युवा डॉक्टर है जो अपनी शिक्षा पूरी करता है तो उसके बाद वो एक पिछड़े गांव को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुनता है। वो उसके बाद इसी क्रम में क्या होता है कि ग्रामीण जीवन के जितने भी पिछड़ेपन हुए, दुख, अभाव, अज्ञानता, अंधविश्वास, उस सब के साथ किस प्रकार वो उसके सामाजिक शोषण चक्र जो है उससे भी जो फंसी हुई जनता है उसकी पीड़ाओं और संघर्षों को किस प्रकार से साक्षात्कार होता है उस युवक का, उसको वो देखते हैं। तो आगे हम लोग क्या समझेंगे कि मैला आंचल जो है उसका कथा है वो है एक मेरीगंज है उससे संबंधित है और नील की खेती से भी इसका संबंध है जो किसी अंग्रेज अफसर जो W.G. मार्टिन उसकी पत्नी है उसका जो नाम है जब इस गांव के जनपद से जुड़ गया तो लोग उसे उसको पुराना नाम से भूल करके उसे मेरी की जो नई पत्नी थी मेरी उस नाम से प्रचलित हो गया। तो मार्टिन उसके लिए कोठी बनवाया था लेकिन उसमें वो बहुत दिन तक नहीं रह पाई। मलेरिया कारण क्या हुआ कि उसकी पत्नी का मौत हो गया मेरी का और मार्टिन उसके वियोग में पागल होकर के मर गया। और ये जो उसी के साथ क्या हुआ कि कहा जाता है कि नील युग का भी अंत हो गया। जब तक मार्टिन जीवित रहा तब तक उसके लिए मेरीगंज में मलेरिया सेंटर खुलवाने का प्रयत्न करता रहा लेकिन अंत में नहीं खुलता है। तो यह जो कहानी है ये बिहार के पूर्णिया जिले के ग्रामीण अंचल के मेरीगंज गांव से संबंधित है और उसमें किस प्रकार लोगों की कथा हुई है उसकी शुरुआत की गई है। तो कथा का अंत भी बहुत दुखद है लेकिन एक इसमें एक बात क्या है कि जब कथा का अंत होता है तो एक संकेत के माध्यम से होता है। संकेत क्या है कि जो युगों से सोई हुई ग्राम चेतना है उसे किस प्रकार से वो जग रही है या उसे किस प्रकार से जगाया जा रहा है या वो किस प्रकार से आगे बढ़ती चली जा रही है। तो मैला आंचल के जो मुख्य बिंदु है इसको समझेंगे। तो मैला आंचल व्यक्ति और समाज के बीच का द्वंद्वात्मक आख्यान कहा जा सकता है। इसे आंचल विशेष की कथा कहा जाता है लेकिन इसे राष्ट्रीय जीवन की हलचल इसके अंतर्गत मिलती है परंतु इसमें आंचलिकता और सार्वभौमिकता जो है इसमें द्वंद्वात्मक संबंध भी बनाया गया है और आंचलिकता के साथ साथ इसमें राजनीतिक स्वर जो है वो भी मिले हुए हैं और रेणु ने किस प्रकार से जीवंत जिंदगियों के चित्र खींचे हैं इसके साथ ही और इस जिंदगी के मधुर और कड़वे दोनों ही सीमाओं को दर्शाने का जो काम है वो जीवन की वास्तविकताओं से किया गया है इसके अंतर्गत। तो इसमें स्वतंत्रता आदर्श जो है वो विनाशक सिद्ध हुई है। यह जो है बावन दास जो है उसके जैसे देशभक्तों ने ही सोचा था। आजादी के बाद भी स्थिति है वो यथावत ही है और बावन दास क्या कहता है कि भारत माता जो है अब भी जार बेजार हो रही है। आजाद भारतीय जो है वो राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था में किस प्रकार से एक कहा जाए तो एक दोषपूर्ण उपनिवेशवादी व्यवस्था का ही भारतीय कर्म मात्र बन करके रह गया है। कालीचरण क्या कहता है
कि यह खटमलों और जमींदारों की व्यवस्था है। तो मारमारी जो है वो खटमल है और जमींदार जो है वो मच्छर है, इस प्रकार से कहता है। खटमल को जो है वो शोषक पूंजीपतियों को संकेत करते हैं, मच्छर जो है वो शिक्षित और मध्यम वर्गीय शोषकों को दर्शाते हैं। तो मेरीगंज जो है वो एक गांव नहीं, एक राष्ट्रीय राजनीति की प्रयोगशाला कहा जा सकता है। राजनीतिक पतन का जो सिलसिला है किस प्रकार शुरू हुआ है, जहां पे संविधान का कोई भी मतलब नहीं रहता है। मूल्यों की अगर बात करते हैं तो मूल्यों की वहां पे बलि दी जाती है, और राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी की बलि और स्थानीय स्तर पर बावन दास की बलि मूल्यों की ही बलि कहला सकता है। रेणु की जो मानवता दृष्टि है इसमें प्रकट हुई अच्छे से। डॉक्टर प्रशांत ने क्या कहा है कि सामाजिक रुग्णता की जड़ को पकड़ लिया है। गरीबी और जहालत जो है इस रोग के दो कीटाणु हैं, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। तो रेणु की जो मानवता दृष्टि है वो इसमें प्रकट हुई है। डॉक्टर प्रशांत ने सामाजिक रुग्णता की जड़ को पकड़ लिया है और गरीबी और जो जहालत है इस रोग के दो कीटाणु कहा है उसे। सामान्य दर्शन की जो नींव रखने की जो जमीन या जो भूमि है वो डॉक्टर प्रशांत को मिल गई है, कहा जा सकता है मिल गई है उसे। तो क्या कहता है वो कि मैं फिर काम शुरू करूंगा यही इसी गांव में, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, इस प्रकार का प्रसंग है। आगे हम लोग समझेंगे कि इसमें निम्न वर्गीय समाज से किस प्रकार उच्च वर्गीय व्यक्ति के नए संबंध जो है उसकी घोषणा की गई है। इसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संरचना जो है उसके नए सरोकार किस प्रकार से ध्वनित होते हैं या स्पष्ट होते हैं। महिला आंचल में राजनीतिक परिपेक्ष में तीन अंतरधाराएं बहती है। कौन कौन है? तो सबसे पहला क्या है? गांधीवादी। दूसरा क्या है? सामाजिक असंतोष। फिर है तीसरा क्या है कि हिंदूवादी सांप्रदायिक चेतना। तो गांधीवादी में क्या कौन है? बावन दास और बालदेव हैं। सामाजिक असंतोष से उपजी जो उसकी जो उपजी धाराएं हैं तो कालीचरण है, और हिंदूवादी सांप्रदायिक चेतना के अंतर्गत काली टोपी वाले जो स्वयंसेवक हैं वो हैं। लेखक जो है वो किसी भी मत या राजनीतिक धारा की जो है उससे कोई पक्षपात नहीं रखता है, वह इससे स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करता है। प्रशांत जो है वो बहुत हद तक अब लेखक की अपनी जो जीवन दृष्टि है उसका प्रतिनिधि लगता है। अब समझेंगे हम लोग गांव का स्वरूप जो है, इसको समझेंगे। तो गांव का जो स्वरूप है इसके जो दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं तो इसमें देखेंगे। तो प्रेमचंद में जो था वो गांव का जो स्वरूप था वो स्थिर था, लेकिन रेणु में क्या है कि गांव जल्दी जल्दी बदल रहा है। जमीन की जो लड़ाई है उसके दौरान गांव का जो जातिगत समूह है वह वर्णगत समूह में किस प्रकार से बदलने लगता है। सामूहिक जो संघर्ष है पात्रों को किस प्रकार से वैचारिक आधार और प्रतिबद्धता के रूप में से आगे बढ़ाता है। सामूहिक संघर्ष में किस प्रकार से भागीदारी के क्रम में कालीचरण और डॉक्टर प्रशांत की जो दार्शनिक समझ है वो तैयार होती है। व्यक्ति और समाज किस प्रकार एक दूसरे पर आश्रित हैं ये दिखलाने का प्रयास जो किया गया है। व्यक्ति और समाज एक दूसरे के लिए तनाव और दुख किस प्रकार सृजित करते हैं, उसको सृजित करते हुए आगे बढ़ते हैं, उसको दर्शाया गया है। तो रेणु के उपन्यास में राजनीतिक जीवन की जो पृष्ठभूमि है उसे दिखलाई गई है, और वहीं से जीवन को किस प्रकार से प्रेरित करती है वो भी दर्शाया गया है। और कई मतवाद के कारण भी पात्रों के नए नए मत भी उभरते हैं। बालदेव के रूप में रेणु ने गांधीवाद की जो रूढ़िवाद स्वरूप जो है उसको भी उभारा है, और धर्म का सहारा लेकर के भ्रष्ट और पतित हो गया था। तो इसके बाद बावन दास जो है वो गांधी का प्रतीक है, उसकी हत्या जो है वो गांधी की सैद्धांतिक और शारीरिक हत्या और असफलता का प्रतीक माना गया है। इसके अलावा क्या कह सकते हैं कि शोषित ग्रामीण जनता जो है उसके जटिल और संश्लिष्ट जो चरित्र है
उसका मनोवैज्ञानिक पहलू जो है उसको दर्शाया गया है, और शोषण के खिलाफ किस प्रकार एक नया जीवन, उसकी जो शक्तियां हैं वो किस प्रकार सक्रिय रूप से है उसको दिखाया गया है। बावन दास जो है वो इस उपन्यास में प्रतिनिधि का एक रूप है, और उसकी मौत जो है वो आजाद भारत में गांधीवादी मूल्यों का मौत है। ठीक है, इस प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी के लिए क्या कहा गया है कि ये पार्टियां जो जनता के लिए हितैषी नहीं है, इस प्रकार से कहा गया है। अब आगे समझेंगे मैला आंचल की आंचलिकता, उस पर विचार करेंगे। तो आंचलिकता है ना, तो आंचलिकता अंचल विशेष का गुणधर्म माना जाता है। अंचल विशेष के जो समस्त जीवन है उसको किस प्रकार समाहित करती है आंचलिकता, ये बतलाया जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन के यथार्थ अंकन में आंचलिकता समाहित होती है, और आंचलिकता और राष्ट्रीयता का क्या संबंध है यह भी स्पष्ट रूप से हम लोग जान सकते हैं। रेणु जो है वो लोक कथा, लोक संस्कृति और लोकगीतों के महागायक हैं, और जनजीवन से जो जुड़ाव है, उनका जो लगाव है, ये दोनों को दर्शाया गया है। उपन्यास में जो नायक की भूमिका है उसको समाप्त कर दिया गया है, और परंपरागत रूप से जो नायक है वो दिखलाई नहीं पड़ता है, बल्कि पूरा अंचल जो है वो ही नायक के रूप में उभरता है। मीरीगंज को विशिष्ट बना दिया गया है। तो इस क्या कहते हैं वो कि मैंने इसके एक ही हिस्से के एक ही गांव को पीछे गांव का प्रतीक बना करके इस उपन्यास का कथा क्षेत्र बनाया है, और यह पूरा अंचल जो है जीवंत कलाकृतियों से चित्रांकित एक बड़ा कैनवस लगने लगता है, इस प्रकार ये कहते हैं। तो मैला आंचल जो है आंचलिक उपन्यास आंदोलन की शुरुआत भी करता है, और उसकी चरम उपलब्धि भी माना जाता है। तो गांव के जो सामूहिक जीवन है उसको साहित्यिक चिंता के केंद्र में लाने के कारण एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में दर्शाया गया है। रघुवीर सहाय ने इस आंदोलन की जो लोकप्रियता है उसकी तुलना 1960 के बाद जो रूसी साहित्य पोवेस्ट की जो उपन्यास है उस विधा से की है। तो रेणु के संदर्भ में रघुवीर सहाय क्या लिखते हैं और क्या कहते हैं कि रेणु जो है वे गांव में विश्राम या मनोरंजन करने के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि लोकतंत्र की जो लोकतंत्र की जड़ों है उसकी खोज में जाते हैं, और स्थानीय बोली जो है उसका रचनात्मक प्रयोग भी करते हैं। डॉक्टर नित्यानंद तिवारी जो है वो क्या कहते हैं, तो मैला आंचल की जो आंचलिकता है वो स्वाधीनता आंदोलन की संतान मानते हैं, और स्वाधीनता आंदोलन जो है वो मुख्य रूप से राजनीतिक होते हुए भी किस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, मतलब सभी क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के द्वारा अपनी तरह से लड़ा जा रहा था। मीरीगंज के लोग भी पूरी तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, और सभी क्षेत्र में और अपनी तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आंचलिकता नई सामाजिक राजनीतिक चेतना जो है उसकी उर्वर भूमि का किस प्रकार से निर्माण करती है यह दर्शाया गया है। और इस उपन्यास के जितने भी चरित्र हैं, पहले व्यक्ति चरित्र हैं, फिर बाद में मतवादों की ओर किस प्रकार से वो आगे बढ़ते हैं ये देखा गया है। और आंचलिक उपन्यास की जो पहचान है उसकी विशिष्टता के द्वारा है। मैला आंचल का जो मीरीगंज है उसमें मिथक और फैंटेसी के कारण वो सामान्य से अलग और विशिष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए जो नंदलाल की जो मौत होती है वो सर्प दंश से हुई है, लेकिन जनमानस में यह बात किस प्रकार से बैठी हुई है कि वह मरा है तो उजली प्रेतनी के द्वारा सांप के कोड़े मारने से। तो इस प्रकार क्या देखा जाता है कि रेणु जो है इसे मिथकीय रूप देकर के किस प्रकार जनमानस की जो संवेदना है उसको स्पष्ट करना चाहते हैं, और ग्रामीण जन संस्कृति के जो नियामक जन तत्व है उसमें से एक है ये, और इसके अंतर्गत किस प्रकार तथ्यों का फैंटेसीकरण जो होता है इसमें ग्राम जीवन को समझने के लिए गांव से जो जुड़े हुए जो टोटम अंधविश्वास है इसको भी समझना होगा। उदाहरण के लिए इसमें कमला नदी से संबंधित जो मान्यताएं हैं वो फैंटेसी ही है। जैसे तहसीलदार क्या मानता है कि उसकी जो बेटी है कमली वो कमला नदी की कृपा से ही प्राप्त हुई है, और कमला माँ जो है या कमला नदी जो है वो नहीं चाहती है कि कमली का विवाह हो।
तो महिला आंचल भी अंधविश्वास की जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों का वर्णन है। अगर सकारात्मक पक्ष देखेंगे हम लोग तो इसमें सामान्य जन जो है उसको नैतिक बनाए रखता है, और नकारात्मक पक्ष क्या है कि इसमें मानवता विरोधी जो शक्तियां हैं उसको किस प्रकार जागृत करता है ना? उदाहरण के लिए विधवा स्त्रियों को डायन बताना है ना, पार्वती की माँ, फिर गांव का जो खलासी जी है वो जादू टोना, जड़ी बूटी, लोक कथा के विशेषज्ञ हैं। ठीक, आगे हम लोग क्या समझेंगे कि आंचलिकता को जो प्रामाणिकता देने वाले एक महत्वपूर्ण तत्व है लोकगीत, इसको समझेंगे। तो लोकगीत जो है वो कथा और चरित्र में जो है वो स्थानीयता का उपकरण भरने वाले हैं, रंग भरने वाले हैं। गीतों का प्रयोग जो है वो संवाद के रूप में किया गया है। इसमें लगभग 20 मैथिली गीतों का प्रयोग किया गया है, और ये गीत जो है ये स्थानीय जनता की जो वाचिक परंपरा, जो बोलचाल की जो है उसकी मौखिक परंपरा हो गई है। शौहर, नवारी है ना, वरगमनी, चूहल और मनोविनोद की जो संस्कृति है उसकी अभिव्यक्ति इसके अंतर्गत होती है। अब समझेंगे हम लोग आंचलिकता का जो सबसे विशिष्ट उपकरण है भाषा। तो परिनिश्चित हिंदी में जो स्थानीय बोली है मैथिली के समानांतर ही तैयार हुई भाषा है, और यह जो भाषा है बहुत क्षेत्रीय रूप से परिष्कृत हिंदी में आंचलिक भाषा के हस्तक्षेप से किस प्रकार तैयार हुई है। तो उदाहरण के लिए बालदेव द्वारा जो दिया गया भाषण है, भाषा में ध्वनि बिंबों से भरी हुई भाषा है। जैसे उदाहरण के लिए क्या है, बिजली चमकी और हर हरा कर वर्षा होने लगी, तो झरझर झरझर झरझर, इस प्रकार से उदाहरण है। आगे हम लोग क्या समझेंगे, गोदान और मैला आंचल दोनों की तुलना किस प्रकार की जा सकती है। तो गोदान और मैला आंचल, तो सबसे पहले गोदान में क्या है कि सीमांत किसान की जो दुर्दशा है उसका चित्रण किया गया है। मैला आंचल में जमींदार वर्ग की जो प्रति संथालों का जो विद्रोह है उसको दिखलाया गया है। साथ ही इसमें क्या है कि गोदान में क्या है, विकल्प जो है उसके दो रूप है, आत्महनन और विद्रोह। मैलांचल में क्या है, विद्रोह जो है वो परिणति तक नहीं पहुंच पाया है। गोदान में प्रेमचंद के लेखन में जो आया हुआ गांव जो है वो किसी अंचल विशेष की खासियत नहीं देता है, लेकिन मैलांचल में जो रेणु है वो स्थानीय बोली, लोकगीत, रहन सहन, मिथकों, अंधविश्वासों का प्रयोग करके मेरे गंज की एक विशिष्ट पहचान बनाते हैं। गोदान में पात्र जो है वो पात्र भी जो टाइप्ड या प्रतिनिधि हैं, और लोकगीतों और संस्कृति का ऐसा कोई भी चित्रण नहीं करते हैं जिससे गांव का आंचलिक वैशिष्ट पता चले। मैला आंचल में डॉक्टर रामविलास शर्मा क्या कहते हैं कि लेखक ने इनमें कथा कहने की जो नई पद्धति अपनाई है वह सिनेमा की तरह अनेक शॉर्ट्स एकत्रित करता है, इसलिए उपन्यास की जो दृश्यों में संबंधता है वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। और गोदान में देखेंगे तो इसमें कथा जो है वो कथा साहित्य प्रतिनिधि जो है वो भारतीय साहित्य लगता है। तो गोदान और मैला आंचल दोनों में ही वर्ग वैषम्य और शोषण का मार्मिक चित्र मिलता है। गोदान में किसान शोषण को भाग का खेल समझकर सहते हैं, लेकिन मैला आंचल में क्या है कि वर्ग संघर्ष की जो स्थिति है उस स्थिति में आकर भी अपनी परिणति तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि यहाँ पर शोषितों में एकजुटता नहीं आ पाती है। गोदान में जो कृषि जो है वो औलाव का है, तो मैला में पूरी ग्रामीण जो है वो आर्थिक संरचना जो है वो पलायन की स्थिति में आ गई है। गोदान में जो गांव का जो है वो स्थिर चित्र प्रेमचंद जी ने खींचा है, वहां पे पारंपरिक रूढ़ियां जो वो स्थिर है, लेकिन मैला आंचल में क्या है कि गांव तेजी से बदल रहा है और जातीय दीवारें नई चेतना के कारण टूट रही है। जमीन बंदोबस्ती जो है उसके समय में क्या हो रहा है कि वहां पे जातीय समूह वर्ग जो है वो वर्ग समूह में किस प्रकार से बदलता जा रहा है, इस प्रकार से देख सकते हैं। तो गोदान और मैला आंचल जो है दोनों में औलाव कर खेती का जो परिणाम है वो किस प्रकार से है, तो गांव से पलायन है, गोबर जंगी इत्यादि शहर जा चुके हैं। मैला आंचल में एक ग्रामीण क्या कहता है, चलो चलो कटिहार चलो, खेती में अब क्या रखा है। तो दोनों उपन्यासों में शहरों की ओर पलायन, गांव की जो हस्ती हुई जो अर्थव्यवस्था है उसका सच दिखाया गया है।
इसमें डॉक्टर विजय देव नारायण शाही का क्या कहना है कि होरी जो है, होरी, धनिया, सिलिया, गोबर, ये जीवित चरित्र हैं। मेहता और मालती जो है ये नए प्रकार के चरित्र हैं। प्रेमचंद ने इन्हें अथाह श्रेय दिया है, पर ये जीवित नहीं हो सकते हैं। गोदान के प्रोफेसर मेहता और मैला आंचल के डॉक्टर प्रशांत जो है, ये दोनों वैचारिक चरित्र हैं और इन्हें दिशा निर्देशक चरित्र कहा जा सकता है। लेकिन गोबर और कालीचरण ये कर्मशील चरित्र माने गए हैं। गोदान के होरी और मैला आंचल के बावन दास गहरा मानवीय सरोकार देखा जा सकता है, और ये मानवीय संवेदना जो है, जैसे मूल्यों की किस प्रकार हिफाजत करते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं और सफल नहीं होते हैं तो दुखी हो जाते हैं। मैला आंचल की डॉक्टर ममता श्रीवास्तव और गोदान की जो डॉक्टर मालती है, ये दोनों बिल्कुल अलग है। देखा जाए तो जीवन के उतार में क्या है कि मालती का जो व्यक्तित्व है वो अंतर दिखता है, डॉक्टर ममता में क्या है, वो पूर्व से ही शोषित पीड़ित वर्ग के उद्धार के लिए किस प्रकार से कटिबद्ध हो जाती है, इस प्रकार दोनों बाद में एक हो जाती है। तो दोनों उपन्यासों में व्यक्ति और समाज एक दूसरे में दखल देते हैं, जैसे दोनों में क्या है, कृषि संस्कृति और खलिहान का जो मोह है वो उभरता है। गोदान में क्या है कि समानांतर गांव और नगर की कथा ये बराबर चलती रहती है। दोनों कथाओं को जोड़ने का जो संबंध तत्व है बहुत ही कम है। नलिन विलोचन शर्मा क्या कहते हैं कि उपन्यास की ये दोनों कथाएं दो तट की तरह हैं, जिनके बीच से भारतीय जीवन की विशाल जलधारा बही चली जा रही है, इस प्रकार उनका कहना है। तो मैला आंचल की जो कथा है वो खंड खंड प्रसंग की बनावट रूप लेती है, और डॉक्टर निर्मल वर्मा ने मैला आंचल के अध्याय को खंड खंड प्रसंग की बनावट पर टिप्पणी करते हैं और क्या कहते हैं कि मैला आंचल जो है कि जो नरेटर है वो प्रत्येक अध्याय की कथा को क्या करते हैं कि कई एपिसोड में बांटता है और एपिसोड की एक सूत्रता जो है उसको प्रदान करने वाले तत्व जो है वो तत्व जो उसमें नहीं है और जो आंचलिक परिदृश्य है वो उसके अंतर्गत नहीं दिखाई देता है। इसमें जो अलग अलग घटनाएं जो दिखती है वो बड़े रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखती है, ये कहना था इनका। मैला आंचल का जो संवेदना पक्ष है, अब हम लोग इसको समझेंगे। तो भौगोलिक पक्ष है इसके अंतर्गत और सामाजिक जीवन है, सामाजिक जीवन के अंतर्गत जाति व्यवस्था है, इसको भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या जानेंगे कि भौगोलिक पक्ष में जो है हमारा आंचलिकता के दो प्रमुख तत्व हैं, कौन कौन है, एक भौगोलिक और सांस्कृतिक। तो भौगोलिक पक्ष में क्या है कि ऐसा ही एक गांव है मेरीगंज, जो रोहतक स्टेशन से भौगोलिक 7 कोस पूरब बूढ़ी कोसी को पार करके जाना होता है। लाखों एकड़ जमीन जो है वो बंध्या धरती का ये विशाल अंचल है, और आंतरिक भूगोल जो है इसके अंतर्गत मेरी एक बड़ा गांव है और 12 वर्ण के लोग यहाँ पे रहते हैं, और गांव के पूरब एक धारा है जिसे कमला नदी कहते हैं। उसमें अराजकता की क्या स्थिति है, तो अराजकता की स्थिति में अत्याचार की जो शिकार स्त्री होती है, उदाहरण के लिए संथालों के साथ जो संघर्ष में ऐसे ही एक प्रसंग है, आजादी है जो जी में है आए करो, बूढ़ी जवान बच्ची जो मिले आजादी है। तो इसके बाद क्या समझेंगे, जाति व्यवस्था इसको समझेंगे। तो इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि पूरा समाज जो है जाति के आधार पर किस प्रकार वर्गीकृत है। जातियों के बीच का जो शक्ति संतुलन है वो गांव की सामाजिक संरचना जो है वो उसको निर्धारित करता है। अब गांव में जो है 3 प्रमुख दल हैं, कौन कौन, कायस्थ, राजपूत और यादव। गांव के जो अन्य जाति के लोग हैं वो भी अपनी सुविधा अनुसार इन्हीं 3 ही दलों में बटे हुए हैं। नारी का क्या स्थान है, तो नारी की जो परतंत्र और निम्न स्थिति है इसमें व्यक्त किया गया है। पुत्र पुत्री में भेदभाव किया गया है, किस प्रकार से इसमें वर्णन है कि हुजूर, लड़की की जात बिना दवा दारू के ही आराम से हो जाती है। इस प्रकार नारी को प्रायः विश्वसनीय नहीं माना जाता है, और शास्त्र ने क्या कहा है कि जोरू जमीन जोर का नहीं तो किसी और का। इस प्रकार से धार्मिक विकृतियां क्या है, अब इसको भी समझेंगे। तो यौन भ्रष्टाचार, सत्ता संघर्ष इत्यादि जो विकृतियां हैं, मठ में भ्रष्ट मताधीशों के जो विचार हैं उस पर आधारित है।
तो महंत जब लक्ष्मी को मठ पर लाया था, वह एकदम अबोध थी, ऐसा रोना कि सुनकर पाथर भी पिघल जाए। इस प्रकार की विकृति के बावजूद भी दोष लक्ष्मी को ही दिया जाता था कि उसने माया बन करके किस प्रकार महंत साहब को धर्म को भ्रष्ट कर दिया है। यह तो महंत साहब का दोख नहीं, उसका भाग ही खराब है। दोख तो लक्ष्मी का है, एक ब्रह्मचारी का धर्म भ्रष्ट करने का पाप उसे उसके माथे में है। इस प्रकार की सोच थी। अब समझेंगे हम लोग अंधविश्वासों की ओर जो क्या उसकी मानसिकता है। तो मीरीगंज में प्रसिद्ध जो अंधविश्वास है, अंधविश्वासों के कारण ही किस प्रकार विकास रुक जाता है। मलेरिया और हैजा के प्रकोप को डॉक्टरों की ही जिम्मेदारी बतलाते हैं। ज्योतिषी का क्या कहते हैं इस पर कि डॉक्टर लोग ही रोग फैलाते हैं, सुई भोग करके देह में जहर डाल देते हैं, आदमी हमेशा के लिए इससे कमजोर हो जाता है, इस प्रकार के विचार थे। कमली की जो मनोरोगी स्थिति है, ये भी अंधविश्वास का ही परिणाम है। पार्वती की माँ को डाइन बता देना, यह भी एक अंधविश्वासी था। तो आर्थिक जीवन क्या है, आप इसको समझेंगे। तो जब तक गरीबी और जहालत खत्म नहीं होगी, तब तक यह मेरी गंज का यह आंचल मैला ही रहेगा। प्रशांत क्या कहता है कि वह नए संसार के लिए इंसान को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहता है। यहाँ इंसान है कहाँ? अभी पहला काम क्या है कि जानवर को इंसान बनाना। डॉक्टर ने रोग की जड़ पकड़ ली है, गरीबी और जहालत, और इस रोग के दो कीटाणु हैं। गरीब उत्पादन की जो कमी है, वो कमी से नहीं बल्कि वितरण की जो विषमताएं हैं उससे पैदा हुई है। उदाहरण के लिए देखा जाता है खम्हार का जो पूरा प्रसंग है, इसको कहा जाता है। इसमें आगे हम लोग आर्थिक समस्या को सौंदर्यगत चेतना के आधार पर भी स्पष्ट किया गया है। डॉक्टर प्रशांत क्या कहता है कि उसने देखा है कि गरीबी, गंदगी और जहालत से भरी हुई दुनिया में भी सुंदरता जन्म लेती है, किंतु ज्यों ही सूरज की गर्मी तेज होती है वो कुंभला जाते हैं। ठीक है, अब समझेंगे हम लोग राजनीतिक पक्ष। तो इसके अंतर्गत विशेष रूप से दो राजनीतिक दलों की चर्चा की गई है, एक है कांग्रेस, दूसरा है सोशलिस्ट पार्टी। तो रेनू ने दोनों के बीच में तटस्थता बनाई रखी है, जिससे कि कांग्रेस की जो खूबियां हैं वो भी दिख सके और तत्कालीन समाजवाद की जो विसंगतियां हैं वो भी दिख पाए। तो कांग्रेस में किस प्रकार धीरे धीरे जातिवाद फैलने लगता है, बावन दास जो है वो क्षुब्ध होकर क्या कहता है कि अब तो लोगों को चाहिए कि अपनी अपनी टोपी पर भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, यादव, हरिजन ये आदि लिखवा ले। कांग्रेस पार्टी अब भूपतियों, जमींदारों और पूंजीपतियों की पार्टी बनकर के रह गई है। बावनदास पार्टी के चरित्रों के परिवर्तन से बहुत क्षुब्ध हैं। जमींदारी प्रथा जब खत्म हो जाएगी तब ये कांग्रेसी जमींदार जो हैं तब ये क्या करेंगे, तो सब मिल चलाएंगे शायद, इसलिए हर एक छोटे छोटे लीडर के साथ एक मारवाड़ी घूमता रहता है। गांधी जी के जो मूल्य हैं, ये साधारण कार्यकर्ता के हाथों में पहुंच करके किस प्रकार एक मजाक का विषय बन जाता है, इस पक्ष को रेनू ने बालदेव के माध्यम से व्यक्त किया है। इसमें आजादी के बाद कांग्रेस पर किस प्रकार भ्रष्ट और अपराधी तत्वों का किस प्रकार नियंत्रण स्थापित हुआ है, ये भी बताया गया है इसके अंतर्गत। साथ ही यहाँ पे हम लोग मैला आंचल में क्या देखते हैं कि बावन दास जो है वो हत्या जो होती है वो गांधी जी की हत्या के दिन ही दिखलाना, इस बात का संकेत क्या देता है कि कैसे गांधी के मूल्यों की जो मौत है वो स्वतंत्रता के बाद हो चुकी है। तो साथ ही इसमें सोशलिस्ट दल जो है, इस दल की पूरी विसंगतियों का चित्रण है इसके अंतर्गत। कालीचरण जो है वो सोशलिस्ट पार्टी का नेता है और क्या कहता है कि मैं आप लोगों के दिल में आग लगाना चाहता हूँ, सोए हुए को जगाना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को मीठी बातों में भुलाना नहीं चाहता हूँ, वह कांग्रेसी का काम है, मैं आग लगाना चाहता हूँ। ये इस प्रकार विचार थे। कालीचरण जातीय संघर्ष की वर्गीय व्याख्या करता है। कालीचरण ने चमार टोली में भाग खा लिया था,
जात क्या है? जात तो दो ही है, एक है गरीब और दूसरी है अमीर, ये कहना था उसका। तो विसंगति क्या है? जाति का विरोध करने वाला जो ये दल है, जो है अपने नेतृत्व को जातीय आधार पर ही निर्धारित करता है इस प्रकार से। तो लोक हित की बात करते करते यह किस प्रकार से अपने आप में ही स्वहित, अपने हित को बल देता है और संघर्ष के नाम पर इसमें डकैतों, खूनियों का प्रवेश होने लगता है। उदाहरण के लिए सोमवाचार चरित्र कर्मकार जो हैं, इस प्रकार अपराधी लोग सोशलिस्ट पार्टी के गहरे सदस्य बन जाते हैं। इसके बाद हिंदू महासभा जो है और आरएसएस, इसमें चर्चा की गई है। तो इन दलों में किस प्रकार अनुशासन है? तो कार्यकर्ता स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। तो इसमें भ्रष्टाचार जो है ये हर तरफ फैला हुआ है और संयोजक जो है उसकी आजकल महीने में दो बार मनी ऑर्डर भेजा जाता है, इस प्रकार से इसमें चर्चा की गई है। अब समझेंगे हम लोग रेणु की जो राजनीतिक चेतना है वो क्या है। तो रचना काल का जो समय है वो 1952 यानी 1952 के आसपास का है। आम आदमी का जो आजादी का साथ है उसका मोह भंग हो चुका था और देश की जो असली समस्या थी वो थी भूमि की असमान वितरण की। रेणु क्या मानते थे कि नए उभरने वाले जो नेतृत्व में अब कोई भी संभावना नहीं है, जितने भी नए उभर रहे हैं। तो रेणु खुद मोहभंग की अवस्था से गुजर रहे थे और उन्हें राजनीतिक पार्टियों पर कोई भरोसा नहीं रह गया था। तो वो समाजवाद की जो सद्भावनाएं कैसे एक सीमा के बाद सीमाएं बनने लगती है यह रेणु खुद महसूस करने लगते हैं, जैसे मुक्ति बोध में कहा गया था। बावन दास की जो मृत्यु है वो भारतीय राजनीति के एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। कांग्रेसी नेता कोपरा द्वारा तस्कर, उसका भी वर्णन किया गया इसमें। तो कांग्रेस का जो सूत्र है अब अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के पास है और बावन दास की जो हत्या है वो भारत के लोकतांत्रिक शासन के द्वारा हुई है, जिसमें गांधीवादी मूल्यों को दो दिन में ही छोड़ दिया। अब आगे समझेंगे हम लोग सांस्कृतिक पक्ष क्या है। तो सांस्कृतिक पक्ष है इसका, तो इसमें अंचल की उसकी आंचलिक विशिष्टता जो है वो प्रदान करते हैं। मेरीगंज के जो लोक संस्कृति के कई सुंदर चित्र भी हैं, इसमें उत्सव धर्मी संस्कृति है, गाड़ीवानों के द्वारा भौजिया के गीत हैं, इसमें खमार खुलने पर विदापत के नृत्य गीत हैं, वर्षा ना होने पर किस इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं जो है वो क्या जाट जटिंग का खेल खेलती हैं। उसके बाद इसमें ध्वन्यात्मक सौंदर्य है जो पूरी लोक संस्कृति के साथ इसमें विद्यमान है। तो इसमें धिन्ना धिन्ना धिन तक धिन्ना, इस प्रकार से है। तो मैला आंचल जो है अपने अंचल की यथार्थ के प्रत्येक अंश को संपूर्णता में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो आज हम लोग मैला आंचल में इतना समझ चुके हैं। इसके बाद आगे हम लोग जो भी टॉपिक रह गया है इसके अंतर्गत उसको भी समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस प्रकार की खास जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।